एक नाबालिग बच्ची के गायब होने का मामला सामने आया है, बताया जा रहा है। आज सुबह 9 बजे हम लोगों को प्राप्त हुई कि कोई एक लड़की है, नाबालिग लड़की है, शौच के लिए बाहर गई और उसी दौरान ये घटना हुआ था। और कुछ देर पे चप्पल मिला और फिर गेहूँ के खेत में वो साल मिला। साल यहाँ पर स्वेटर वगैरह पड़ा है, इसका जानकारी नहीं है बारे में, ज़्यादा रात हो गया ढूंढने लगे इसको। जो कभी बनी थी सुर्खियां, जरूरत है उनको टटोलने की। जिनमें छिपे थे कई राज, जरूरत है उनको खोलने की। जख्मों की डोर से घटनाओं के शोर तक, किसी को अपनों की तलाश, अब होगा राज का पर्दाफाश। क्योंकि हम लेंगे खबरों की खबर। कपिल बस थाना क्षेत्र के तहरौली में एक नाबालिग बच्ची के गायब होने का मामला सामने आया है, बताया जा रहा है। कल यानी 11 तारीख शाम को बच्ची शौच के लिए गई थी और वह वापस लौट कर नहीं आई। पुलिस प्रशासन लगी है और जल्दी से बच्ची को सकुशल ढूंढ निकालेगी। सिद्धार्थनगर जिले में 17 वर्षीय नाबालिग लड़की कल देर शाम से लापता है। जब बच्ची अपने घर से शौच को कहकर निकली थी, काफी खोजबीन के बाद अभी तक बच्ची का सुराग नहीं लग सका है। स्थानीय पुलिस इस मामले में हर पहलुओं पर जांच पड़ताल में जुट गई है। नाबालिग बच्ची की गुमशुदगी का यह मामला कपिलवस्तु थाना क्षेत्र के चकैया जोत के अहरोला गांव का है। गायब बच्ची सविता के घर वालों की माने तो सविता कल शाम घर से बाहर शौच को कहकर गई थी। काफी देर तक जब वह घर नहीं लौटी तो घर वालों ने उसे खोजना शुरू किया। पूरी रात वह उसे खोजते रहे और आज सुबह 9 बजे सविता का भिन्न भिन्न स्थानों पर चप्पल, दुपट्टा और स्वेटर लोगों ने देखा और इसकी सूचना घर वालों को दी। सविता के कपड़े और चप्पल गांव के बाहर सीमान में देखकर घर वालों के होश उड़ गए और उन लोगों ने इसकी सूचना तत्काल स्थानीय थाने पर दी। मौके पर पहुंची पुलिस इस मामले पर है पहलू से जांच पड़ताल में जुट गई है। घर वालों का कहना है कि उनका किसी पर कोई भी शक नहीं है और गांव में उनका किसी से कोई रंजिश भी नहीं है। इस मामले में सीओ सदर अखिलेश वर्मा ने बताया कि सूचना मिलने पर फौरन पुलिस मौके पर पहुंची। अभी तक घर से तहरीर नहीं मिली है, फिर भी पुलिस इस मामले में हर पहलू पर जांच पड़ताल कर रही है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या घटना हुई? घटना कुछ नहीं है सर, मैं इतना तो मालूम नहीं है। घर पे थी, 7 बजे निकली है, आई थी यहाँ। साल यहाँ पर स्वेटर वगैरह पड़ा है, मुझे इसका जानकारी नहीं है बारे में। घर से क्या बोल के आई थी? घर पे बोल के आ रही कि मैं जा रहा हूँ बाहर। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? बाद में ज़्यादा रात हो गया ढूंढने लगे इसको, नहीं मिला। क्या क्या मिला है, कहाँ कहाँ पर मिला है? यहाँ खेत में कहाँ साल मिला है, स्वेटर बगीचे में मिला, चप्पल इधर रोड पर मिला है। क्या लग रहा है आप लोगों को, किसी पे शक की? नहीं सर, किसी पे शक नहीं, जो भी जानते हैं लगा सकते हैं। वाले हैं सर, मेरा नाम रामजीत है, ग्राम पंचायत चक्के जो टोला है रोड के आसपास। सर रामजीत जी, ये जो लड़की गायब हुई है, कैसे गायब हुई है, आपकी कौन लगती थी, क्या हुई पूरी घटना? ये लड़की का नाम सत्ता था, वो गाँव के बाहर उसका घर है, वो हमारे चाचे की लड़की है। वो खाना मतलब वो घर पे बना के थे, यहाँ पर यहाँ घर पे चली जाती थी अपनी चाची के पास भी। उसका मतलब तबीयत साफ सदा सो रहा था, तो लगभग 7-8 के बीच में लगभग वो गई थी शौच के लिए बाहर गई और उसी दौरान ये घटना हुआ था। और कुछ
दूरी पे चप्पल मिला और फिर गेहूँ के खेत में वो साल मिला और फिर बगीचे में उसका वो पहने थे वो स्वेटर, वहाँ स्वेटर मिला और उसे आगे से कोई सूचना नहीं मालूम हुआ क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सब खोज रहे थे उसको, जब सूचना जब नहीं मिला तो थाने पर तारी दिया गया। तो उसके बाद में कपिल बस एस ओ आए और फिर सी ओ साहब आए। किसी पे शक लग रहा है आप लोगों को? जनपद सिद्धार्थनगर के कपिलवस्त्र थाना अंतर्गत ग्राम अहरौली से ये सूचना आज सुबह 9 बजे हम लोगों को प्राप्त हुई कि कोई एक लड़की है, नाबालिग लड़की है, वो कहीं चली गई है। अभी तक हम लोग सर्च कर रहे हैं, अभी तक उसकी सूचना प्राप्त नहीं हुई कहाँ गई है। और हमारी विभिन्न टीमें आ गई हैं, आगे तहरीर अभी प्राप्त नहीं हुई, अगर कोई तहरीर प्राप्त होती है तो आगे विधिक कार्रवाई की। तो स्थानीय लोग कह रहे हैं कि चप्पल, शॉल और स्वेटर भी बरामद हुए, इसको लेकर क्या आवश्यकता जताई? आगे वो जांच चल रही है, जैसे जैसे जानकारी प्राप्त होगी आपको अवगत कराएंगे।